तो आज हम बात करने वाले हैं बैटरी ड्रेन टेस्ट के बारे में। तो थोड़ी सी ये खांसी की वजह से आवाज फंसी हुई है, सो थोड़ा सा तबीयत अलील चल रही है। तो इसमें आज हम बात करेंगे कि बैटरी इसकी जो है वो कितने देर में चार्ज होती है और ये कितने देर तक चल पाता है, ये दोनों टेस्ट करेंगे। रेडमी नोट 10 प्रो के अंदर हम टाइमर चलाने वाले हैं और G84 को चार्जिंग पर लगाने वाले हैं और उसके बाद देखते हैं कि कितने मिनट में कितना चार्ज होता है। बीच बीच में हम सारी चीजें आपको दिखाते रहेंगे कि कितने मिनट में कितना फास्ट चार्ज हुआ है। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो शुरुआत में चार्जिंग होती है वो कितना स्पीड होती है और लास्ट में जाके कितना स्लो होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्जिंग ये ऑन हो चुका है, अभी तक कोई परसेंटेज शो नहीं हुआ है। लगभग यहाँ पर 1 मिनट होने चला है तब जाकर के ये 1% शो होना शुरू हुआ है। उसके बाद आगे देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये चार्ज होता है और कितना स्पीड में चार्ज होता है। तो यहाँ पर कुछ मिनट के बाद हम फिर से चेक करते हैं तो यहाँ 12 मिनट के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर जो चार्जिंग है वो 24% हो चुका है, यानी एक लगभग अभी दोगुना चल रहा है। 12 मिनट में यहाँ 24% हो चुका है और आगे हम देखें कि 34 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं, लगभग यहाँ पर 35 मिनट, और यहाँ पर चार्जिंग को देखें तो यहाँ पर 59% हो गया है। तो यानी अभी दोगुना से थोड़ा स्लो हो चुका है, 10% 11% स्लो हो चुका है। अब यहाँ पर 47 मिनट पर अगर हम देखें तो उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज देखें तो 76% हो गया है, 76%, तो थोड़ा सा और यहाँ पर स्लो हो चुका है, लगभग अभी चल रहा है मिड रेंज में। तो आगे हम फिर से देखते हैं कि कितना बढ़ता है। तो आगे हम देखें 49% पर, तो यहाँ पर जो 50% मतलब 50 मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं चार्जर, तो यहाँ पर हो गया है 79%, तो अभी 80 के लमसम पहुंचने वाला है, लेकिन अभी बहुत स्लो हो चुका है। पहले शुरुआत में यहाँ पर दोगुना मिनट से चल रहा था लेकिन अभी स्लो हो चुका है। अभी ये 50 के हिसाब से ये 100% होना चाहिए लेकिन अभी 20% यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मिनट और यहाँ पर बढ़ चुका है, तो यहाँ पर 59 मिनट चुके हैं, यानी लगभग 60 मिनट, तो यहाँ पर 90% हुआ है। अभी 10 मिनट में 10% बढ़ा है, एवरेज चलने लगा है। जिस तरीके से मिनट होता है, मिनट पर यहाँ पर चार्जिंग होने लगा है। अब आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से ये चार्ज हो पाता है। यहाँ पर 1 घंटा 5 मिनट हो चुके हैं, अब यहाँ पर देखते हैं तो 94% हो चुका है बैटरी चार्ज। तो अभी कुछ यहाँ पर ठीक चल रहा है, यहाँ पर मिनट के हिसाब से यहाँ पर चल रहा है, लेकिन 1% फिर भी स्लो है। उसके बाद हम देखते हैं 1 घंटे 10 मिनट के बाद तो 96% हुआ है, अब बहुत ज्यादा स्लो हो चुका है, जो कि 2% बढ़ा है सिर्फ 5 मिनट में, यानी अब मिनट से ये हाफ चलने लगा है, यानी आपको 2.5 मिनट में 1% हो रहा है। अब आगे देखते हैं 1 घंटा 15 मिनट हो चुके हैं और 98% अभी तक हुआ है, तो बहुत ही ज्यादा अभी स्लो हो चुका है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि शुरुआत में आपको अच्छे तरीके से फास्ट चार्ज होगा और ये सबका फोन है, सब में ऐसा होता है। और आगे हम देखते हैं 1 घंटा 18 मिनट में, तो यहाँ पर जो चार्जिंग है वो हुआ है 99%, और यहाँ पर कोई भी ऐसा हीटिंग या फिर गर्म वॉर्म नहीं हुआ है, बहुत यहाँ पर गर्म टाइप पर हुआ है, यानी इसको गर्म नहीं बोलेंगे, वॉर्म बोलेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर हुआ है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो कोई भी टेम्परेचर वगैरह की दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अभी टाइम देख सकते हैं, रात का 3:35 हो रहे हैं, टाइम हम वीडियो को शूट कर रहे हैं, तो मेहनत जरूर लगती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी आपको यहाँ पर बैटरी ड्रेन करने में, बैटरी टेस्ट करने में टाइम तो लगता है। अभी हम दिन भर यूज करेंगे तब जाकर के बैटरी ड्रेन होगी। अभी यहाँ पर देख सकते हैं 3:35 हो रहे हैं और देखते हैं कितना हो गया है। अब यहाँ पर 1 घंटा 21 मिनट हुए हैं और 99% है। इस हिसाब से अब देख सकते हैं 1 घंटा 23 मिनट में ये 100% बिल्कुल हो चुका है, टाइमर कर दिया स्टॉप। तो यहाँ पर जो इसका 1 घंटा 23 मिनट में हुई है, यानी आपको लमसम 1.5 घंटा तो लग ही जाता है। तो कोई भी ऐसा जनरली 1% से लेकर के 100% नहीं करता है, बीच में चार्ज रहता है तभी लगा देता है, तो उतना ज्यादा आपको इश्यूज नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अब हम इसकी बैटरी टेस्ट करते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर फुल बैटरी है, तो इसके अंदर हम टेस्ट करेंगे कि कितने देर में यहाँ पर ड्रेन हो रही है बैटरी। तो चलिए हम आपसे यहाँ पर 2 घंटे के बाद मिलते हैं, 2 घंटे इसके अंदर खूब कंटेंट देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेक्चर देखते हैं, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि ये कितनी बैटरी को यहाँ पर अभी तक खत्म कर चुका है। मैं YouTube पर इसके अंदर वीडियोस भी देखा, 1 घंटे तक अभी मुसलसल मैंने फुल ब्राइटनेस के साथ, फुल यहाँ पर वॉल्यूम के साथ हम देखे हैं अभी कॉन्टेंट। तो इसमें क्या हुआ, पहली चीज की हम अपने फर्स्ट में अपने वीडियोज को ही देखें, उसके बाद यहाँ पर हम और कॉन्टेंट देखें। तो 1 घंटे के बाद अगर इसके परसेंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 85% यहाँ पर अभी तक बैटरी है, यानी 1 घंटे में भी 15% बैटरी ड्रेन हुई है। अब आगे देखते हैं कि कितना चलता है। फाइनली यहाँ पर 2:35 हो गए हैं, तो मैं 12 बजे से स्टार्ट किया था, यहाँ पर 2.5 घंटे हो चुके हैं और अभी तक जो 2.5 घंटे में बैटरी ड्रेन हुई है वो 27% हुई है, यानी फुल वॉल्यूम फुल ब्राइटनेस के साथ ये आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर हम BGMI गेम जो है वो इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हम BGMI गेम खेलेंगे। उसके बाद इसमें क्या होगा कि कंटेंट देखने में थोड़ी सी कम बैटरी कंज्यूम होती है और गेमिंग में ज्यादा कंज्यूम होती है,
पहले हम इंस्टॉल करेंगे उसके बाद हम खेलते हैं। यहाँ पर 4:38 हो चुके हैं, फिर भी यहाँ पर जो बैटरी है इसकी 52% है, तो इतने देर चलाने के बाद यहाँ पर अभी 50% पर लगभग अभी बैटरी आई है। तो अभी और टेस्टिंग करते हैं कि ये पूरे तरीके से डिस्चार्ज कब होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आज हम 7:55 तक फोन को यूज किए हैं, यानी स्क्रीन जो है वो ऑन था। और इसमें यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कंटेंट वगैरह हम गेमिंग के लिए बताए थे, तो BGMI है भी खेले हैं, प्राइम वीडियो भी देखे, तो यूट्यूब पे 3:10 चला है, और यहाँ पर BGMI जो है वो 2:48 चला है, यानी करीब लगभग यहाँ पर 3 घंटे के करीब। उसके बाद यहाँ पर 1.25 घंटा के करीब प्राइम वीडियो देखे हैं, थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम चलाया है उस सेटिंग में थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से करके कुल यहाँ पर 7:55 तक यहाँ पर ऑन स्क्रीन रहा है, फुल ब्राइटनेस फुल वॉल्यूम के साथ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से, और अभी भी जो बैटरी है वो 8% अभी भी अवेलेबल है। तो अब देखते हैं कि 8% कब तक चलता है। तो यहाँ पर हम गेमिंग करेंगे क्योंकि गेमिंग में ज्यादा यहाँ पर बैटरी जो होती है वो खत्म होती है, तो फिर से गेमिंग करते हैं और पूरे तरीके से डिस्चार्ज करते हैं कि कितना इसका ऑन स्क्रीन टाइम रहता है। तो फिर से हम 25 मिनट खेल चुके हैं गेम, और 25 मिनट खेलने के बाद अभी जो बैटरी है वो 1% बचा हुआ है। स्वेडनेस डे का खेल रहा था, तो स्वेडनेस डे में जो उसका पूरे तरीके से परफॉर्मेंस है वो 7:55 था, और आज थर्सडे है जो कि 12 बजे के बाद मैं अभी खेल रहा हूँ, तो इसमें जो है वो 25 मिनट में खेला हूँ। तो इसको अगर दोनों का मिलाते हैं तो 8:05 होते हैं। तो अभी हम आपके पास लाइव फिर से हम गेम को प्ले करते हैं और देखते हैं कि ये मोबाइल स्विच ऑफ होने देर में होता है, उसके बाद बैटरी की अंदाजा हो जाएगी। सो हम उसके बाद हम बात करेंगे इसकी कंक्लूजन की। यहाँ पर देख सकते हैं ये है वो बैटरी शट डाउन हो चुका है, सो पूरे तरीके से बैटरी ऑफ हो चुका है। अब अगर हम टाइम यहाँ पर देखते हैं तो वो ये 46 हो रहा है, यानी 1 मिनट अभी चला है। ये जो फोन है वो 100-0 तक जो बैटरी डाउन हुई है ऑन टाइम है वो 8:05-6 है, यानी अगर आप देखें तो 8 घंटा से लेकर के 10 मिनट तक मान सकते हैं, 8 घंटा भी चल सकता है 10 मिनट चल सकता है सिर्फ ऑन स्क्रीन। आप इतने देर तक फुल वॉल्यूम और फुल ब्राइटनेस में रखते हैं तो, और जनरली कोई भी फुल ब्राइटनेस और फुल वॉल्यूम के साथ इस तरीके का यूज नहीं करता है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं अगर मेरा वॉल्यूम कम रहेगा, अगर मेरा ब्राइटनेस कम रहेगा और नॉर्मल यूज करेंगे, इतना हैवी गेम नहीं करेंगे और पूरे तरीके से HD में वीडियोज नहीं चलाएंगे, तो कितना ज्यादा बढ़ेगा, आपको कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन ये हैवी टेस्ट हुआ है, और हैवी टेस्ट में 8 घंटा परफॉर्म करना यानी बैटरी कैपेसिटी अच्छी मानी जाएगी। और इसके अंदर जो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है 33 है, उस हिसाब से यहाँ पर कोई भी फोन जो 33 के अराउंड में आता है चार्जिंग स्पीड वो 1 घंटा प्लस ले ही लेता है, तो चार्जिंग में कोई ऐसा इश्यू नहीं है। लेकिन बैटरी के मामले में एक थम्स अप तो इसके लिए बनता है क्योंकि ये 8 घंटा प्ले किया है इतना हैवी टास्क में। तो ये आपको फोन कैसा लगा है और इसकी बैटरी परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी तो जरूर से कर दीजिएगा लाइक, एंड चैनल पर नए होंगे तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इसी तरीके से और भी वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।